समझिए ना, आज जो हम लोग पढ़ेंगे किसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, डाई हेलो एंड पॉली हेलो डेरिवेटिव्स। मतलब एक दो, डाई मतलब हुआ टू, दो हेलोजन और दो से ज़्यादा हेलोजन, ठीक है ना। दो हेलोजन या दो से ज़्यादा हेलोजन अगर जुड़ा हुआ रहेगा हाइड्रोकार्बन चेन से, तब उसका नाम क्या होगा वो बताएंगे, ठीक है ना। अभी कल तक क्या पढ़े थे, मोनो हेलो, वो सब क्या था, मोनो हेलो, एक ही हेलोजन ग्रुप था, एक ही क्लोरीन, एक ही ब्रोमीन, एक ही आयोडीन जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। और आज जो है दो या दो से ज़्यादा, दो के लिए हम लोग डाई लिखते हैं। अब दो के बाद डाई के बाद ट्राई आता है, टेट्रा आता है, तो सबको हम लोग पॉली में लेते हैं, ठीक है, क्लियर। तो हम लोग जो है, आप जो है इसमें दो तरह का टर्मिनोलॉजी आएगा। पहले हम लोग डाई हेलो लेते हैं, ठीक है, डाई हेलो डेरिवेटिव, डाई हेलो डेरिवेटिव। डाई हेलो डेरिवेटिव में दो तरह का हो सकता है, जैसे ये हो गया, इससे दो क्लोरीन एक साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये हो गया हमारा CH3 CH3। एक ये केस हो सकता है कि दोनों ही क्लोरीन जो है एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं जेम डाइहैलाइड। ये क्या हो गया हमारा, ये हुआ जेम डाइहेलो डेरिवेटिव में एक होता है जेम डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड, ठीक है, जेम डाइहैलाइड एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा दोनों ही हेलोजन, तो उसको जेम बोलते हैं। जेम मतलब आके एक साथ जुड़ गया सारा चीज़, उसको हम लोग जेम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा केस एक आएगा, विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। उसमें क्या होगा कि अगल बगल जो कार्बन है उससे जुड़ जाएगा हेलोजन, तो ये हो गया हमारा CH2Br CH2। विसिनल मतलब पड़ोस में, है ना, नेवर, है ना, नेवरिंग, नेवरिंग जो हुआ, नेवरिंग कार्बन से जो है हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ दिख रहा है, हाँ, नेवरिंग, नेवरिंग कार्बन से जो है हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या हो गया कि सेम कार्बन से दोनों हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो सेम कार्बन से दोनों हेलोजन जुड़ा रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे जेम डाइहैलाइड, ठीक है। और जब नेवरिंग मतलब अगल बगल वाला कार्बन से जुड़ा रहेगा तो उसको हम बोलेंगे, ठीक है ना, विसिनल डाइहैलाइड। तो डाइहेलो डेरिवेटिव जो होता है हेलो एल्केन का, दो तरह का होता है, जेम डाइहैलाइड और विसिनल डाइहैलाइड। अब दोनों का नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है, नाम कैसे लिखाएगा, इसमें क्या होगा, ये जो है इसका होता है जैसे इथाइल हुआ, ये दो कार्बन है, दो कार्बन का क्या होता है, इथाइल होता है ना, हाँ, दो कार्बन का इथाइल होता है। तो जब जेम रहेगा, सेम कार्बन से रहेगा, तो आयोडीन जोड़ देंगे इथाइल में, क्या हो गया, इथाइल आयोडीन, आप पढ़ने में हो गया इथिलीडीन, पढ़ते इसमें पढ़ेंगे इथिलीडीन, लेकिन लिखने के लिए हमको जो कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अल्काइल ग्रुप का पहले नाम लिख देंगे, अल्काइल ग्रुप का पहले नाम लिख देंगे। ये कॉमन नेम बता रहे हैं, ये IUPAC नहीं है, ये कॉमन नेम है, समझ गए ना, ये कॉमन नेम है। तो इथिलीडीन हो गया, कैसे लिखे, पहले अल्काइल ग्रुप का नाम लिख दिया इथाइल, और उसमें आईडीन जोड़ दिया, IDEN, समझे। तो जेम डाइहैलाइड्स का नाम कैसे लिखते हैं, अल्काइल आईडीन, ठीक है, जेम डाइहैलाइड्स का नाम कैसे लिखते हैं, अल्काइल, अल्काइल आईडीन, अल्किलिडीन हो गया, पढ़ते हैं हम इसको अल्काइलिडीन पढ़ते हैं, ठीक है। और विसिनल डाइहैलाइड्स को जो लिखते हैं
जिसको लिखते हैं हम लोग अल्काइल, ठीक है, ई एन ई। अल्काइल में क्या जोड़ देंगे, ई एन ई, अल्काइल, है ना, विसिनल रहेगा तो ई एन ई देंगे, और जब एक ही पर रहेगा जेम रहेगा तो आईडीन जोड़ देंगे। ये याद रखना, पढ़ते समय तो अल्काइलिडीन पढ़ देंगे, लिखते समय याद रखना क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। उसके बाद इसका भी अल्काइलिन पढ़ेंगे, लेकिन लिखते समय लिखना है कि अल्काइल ग्रुप पहले लिखेंगे, उसमें हम ई एन ई को ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम ये हो जाएगा इथाइल, होगा ना, और उसके बाद ई एन ई जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इथिलीन, ठीक है, डाई क्लोराइड या सिंपली क्लोराइड, क्योंकि ये वर्ड सिर्फ दो कार्बन रहता है तभी, यानी दो हेलोजन रहेगा तभी यूज होता है, इसलिए डाई लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, डाई लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया है। और एक लेते हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, इससे हम इधर सी एच थ्री जोड़ दिए, और ये तो सी एच थ्री है, ये है ना, हा? अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, है ना, यही है। इसमें इस H को हटा करके, इस H को हटा करके उसके जगह पर एक अल्काइल ग्रुप देते हैं, इस H को हटा करके एक अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया, H को रिप्लेस कर दिया CH3 से, ठीक है। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा, अब देखो कि ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है, तीन कार्बन होगा पहला, हाँ, तो वन टू इधर भी देंगे तो वन टू, लास्ट से पहला कार्बन, लास्ट से जस्ट पहले कार्बन से जब मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहता है तो क्या नाम लिखते हैं, कल ही बताए, कॉमन नेम में क्या होता है, लास्ट से एक पहले कार्बन पर जब मिथाइल ग्रुप जुड़ा रहता है क्या नाम बोलते हैं, आइसो, क्या होता है, आइसो, कितना है, एक दो तीन है, तो प्रोपाइल होगा, तो आइसो प्रोपाइल, और चूंकि सेम कार्बन से डबल बॉन्ड, सेम कार्बन से दो तो जुड़ा हुआ है तो आई डी एन ई लिखाएगा, मिथाइलिन डाइक्लोराइड यहाँ भी लिखेंगे ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपाइल, और उसके बाद आईडीन लग जाएगा, है ना, आइसो प्रोपाइलिडीन, समझ गई। और दो क्लोरीन है तो डाइक्लोराइड होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो अल्काइडिन डाई हेलाइड हुआ ना, इसका नोमेनक्लेचर अल्काइलिन डाई हेलाइड हो गया, इसका नोमेनक्लेचर, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर आया समझ में। उसके बाद देखो, अब इसका जो है आई यू पी एस सी नेम क्या होगा, इसका आई यू पी एस सी नेम क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप इधर है तो इधर से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग, ये कार्बन नंबर वन होगा, कार्बन नंबर टू होगा, कार्बन नंबर वन पे क्लोरीन है ना, तो क्या लिखेंगे, वन वन डाई क्लोरो, वन वन डाई क्लोरो, दो है तो इथेन ना होगा, समझ में आया, ये हुआ आई यू पी एस सी नेम, वन वन डाइक्लोरो, पहला कार्बन पर ही दोनों क्लोरीन है तो वन वन डाइक्लोरो, कितना चेन लंबा है, दो कार्बन का, तो इथेन हुआ, तो वन वन डाइक्लोरो इथेन, ये हुआ इसका आई यू पी एस सी नेम, ठीक है। अब इसका आई यू पी एस सी नेम क्या होगा, इसका यहाँ देखो दो क्लोरीन इस पर जुड़ा हुआ है,
लेकिन एक किनारे में तो नहीं है, बीच में है ना। तो एक दो तीन, एक दो तीन, दोनों साइड से ये सेकंड कार्बन ही आता है, तो दोनों तरफ में किसी भी तरह से गिन सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, वन टू थ्री, वन टू थ्री, दोनों तरफ में से ये जो है सेकंड पोजीशन पे ही आ रहा है ये कार्बन, तो किसी भी तरीके से गिन सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो IUPAC नेम क्या होगा, सेकंड पोजीशन पर ना क्लोरीन है दोनों, तो यहाँ होगा ये टू टू डाइक्लोरो, टू टू डाइक्लोरो, कितना कार्बन का चेन है, तीन ना, हाँ, प्रोपेन, टू टू डाइक्लोरो प्रोपेन। ठीक है, टू टू डाइक्लोरो प्रोपेन, समझ में आया, टू टू डाइक्लोरो प्रोपेन। और ये चीज याद रखोगे, ये सब एक ही वर्ड होता है, कहीं गैप नहीं रहता है, IUPAC नेम में कहीं कोई गैप नहीं रहता है वर्ड के बीच में, सब सटा हुआ है, ठीक है ना। जबकि ये दोनों अलग वर्ड है, ये दोनों अलग वर्ड है, लेकिन यहाँ देखो सब एक साथ लिखे ना, यहाँ जगह की कमी कारण हम नीचे लिखे, ये सटा के लिखना है। IUPAC नेम में कहीं बीच में गैप नहीं है, कंटिन्यूस लिखते हैं सारे वर्ड, मतलब सिंगल वर्ड में होता है उसका नाम, याद रखना है, ठीक है। अब इसका लिखेंगे, ठीक है, तो बिसिनल है, ये बिसिनल डायहैलाइड है ना, हाँ, इसका नाम लिखेंगे, तो इधर से भी ये वन, इधर से ये वन, वन टू, वन टू की तरफ गिनेंगे तो वन टू हो जाएगा, यानी एक ब्रोमीन है वन पर, दूसरे पर टू है, दूसरे टू पर भी है, तो लिखेंगे वन टू, वन टू, फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन पर है, वन टू डाई ब्रोमो, ब्रोमीन है ना, डाई ब्रोमो, दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा, इथेन, वन टू डाई ब्रोमो इथेन, समझ में आया, वन टू डाई ब्रोमो इथेन हो गया ये, क्लियर आया समझ में। अब हम लोग जो है विसिनल डाइहैलाइड का एक और एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। और ये कार्बन अगल बगल है कि नहीं, ये कार्बन और ये कार्बन अगल बगल ही है ना, पड़ोसी है ना, जैसे उधर पड़ोसी है वैसे ही ये दोनों कार्बन पड़ोसी है, और दोनों पर ब्रोमीन अटैच है ना, CH2Br लिखने का मतलब थोड़ी है कि ये H से जुड़ा हुआ है, जो कंडेंस फॉर्मूला लिखे है ना, जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे तो Br इससे अटैच दिखेगा, है ना, जब इसको हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, है ना, है? तो अगल बगल कार्बन से ही ना ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, है? इसी को हम लोग कंडेंस में ऐसे लिखते हैं CH2Br, तो अगल बगल कार्बन से ही ना जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, तो विसिनल डाइहैलाइड हुआ कि नहीं, पड़ोसी कार्बन से जब जुड़ा रहता है तो ही ना बोलते हैं विसिनल, ये दोनों पड़ोसी है, ये कार्बन और ये कार्बन दोनों पड़ोसी है, नेबर है ना, नेबरिंग कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, इसी को बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स, जब अगल बगल कार्बन से जुड़ता है, तो सेम कार्बन से जुड़ता है तो हम लोग बोलते हैं जेम डाइहैलाइड, और जब अगल बगल वाले कार्बन से जुड़ता है तो बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड का एग्जाम्पल है कि नहीं, तो अब इसका भी नाम लिखना होगा ना, हाँ, अब इसका पहले कॉमन नेम लिखेंगे, तो पहले कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, इसमें क्या होता है अल्काइलिन डाइहैलाइड लिखना है, अल्काइलिन है ना, तो पहले अल्काइल ग्रुप तो पता करना होगा, तो अल्काइल ग्रुप क्या है, ये एक दो तीन चार है, तो ब्यूटिल ब्यूटाइल है ये क्या है, ब्यूटाइल, लेकिन नॉर्मल ब्यूटाइल नहीं है, ब्रांच है, तो सिर्फ ब्यूटाइल नहीं लिखेंगे ना, तीन तरह का होता है, नॉर्मल होगा, आइसो होगा और नियो,
कॉमन नेम तीन तरह का होता है, नॉर्मल, आइसो, नियो, उसमें से कौन है ये तीनों? अगर ये तीनों नहीं है तो खोजेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सियरी है कि नहीं। पहले हम जब कॉमन नेम लिखते हैं तो पहले पता करते हैं कि वो नॉर्मल है, कि आइसो है, कि नियो है। अगर ये तीनों में से कोई नहीं मिलता है तब हम खोजते हैं कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सियरी है। कुछ तो रहेगा ये, ठीक है ना? तब ये देखोगे कि यह आइसो है, आइसो है। इसलिए कि देखो ये कार्बन है ना, इधर ये कार्बन है, तो इधर से हम काउंटिंग शुरू करेंगे, एक, वन टू थ्री, वन टू थ्री, तो लास्ट कार्बन ही ना है। इधर से भी अगर काउंटिंग करेंगे, ठीक है, तो लास्ट कार्बन ही आएगा। इधर से अगर काउंटिंग करेंगे तो ये लास्ट कार्बन आएगा, है ना? तो काउंटिंग कैसे होगा, एक, दो, तीन होगा, ठीक है? तो ये लास्ट कार्बन ही है, वन टू थ्री, तो लास्ट कार्बन ये है। अगर इसको लास्ट कार्बन लेंगे तो उसके पहले वाला कार्बन ये होगा, अगर लास्ट कार्बन ये लेंगे तो उसके पहले वाला कार्बन ये होगा, और लास्ट कार्बन से पहले वाले कार्बन पर अगर मिथाइल ग्रुप होता है तो उसको क्या बोलते हैं, आइसो। ये लास्ट कार्बन है तो उसके पहले वाला कार्बन यही है ना, और इससे मिथाइल ग्रुप एक जुड़ा हुआ है ना, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है तो आइसो, और दो मिथाइल ग्रुप जुड़ेगा तो नियो। तो लास्ट वाले से एक पहले वाला कार्बन पर जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप, इसलिए ये हो गया आइसो। तो इसलिए सिर्फ ब्यूटाइल नहीं है, ये क्या है, आइसो ब्यूटाइल है। आई बात समझ में, क्या है ये, आइसो ब्यूटाइल, ठीक है? और अगल बगल वाले से जुड़ा हुआ है तो ये नहीं लगेगा ना, तो आइसो ब्यूटिलीन डाई ब्रोमाइड, आइसो ब्यूटिलीन डाई ब्रोमाइड। देखो अब यहां हम क्लोराइड लिख दिए ना, तुम लोग भी नहीं बताइए, यहां हम क्लोराइड लिखे हुए हैं, जबकि यहां ब्रोमाइड होना चाहिए, यहां ब्रोमीन है ना, तो ब्रोमाइड ना होगा, हाँ? तब ठीक है, आई बात समझ में? तो समझ में आ गया डायहेलो डेरिवेटिव, हाँ, जेम डायहेलाइड, विसिनल डायहेलाइड समझ में आ गया, कॉमन का नेम कैसे लिखते हैं, आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे। अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे क्या होगा, वन टू थ्री, यही है वन टू थ्री, लॉन्गेस्ट चेन तो तीन चेन, तीन कार्बन का है, वन टू थ्री। अब देखो क्या लिखेंगे, वन टू डायब्रोमो, वन टू डायब्रोमो, और दो पर ही है मिथाइल ग्रुप भी है ना, टू मिथाइल, कितना कार्बन है, एक दो तीन कार्बन का चेन है, तो क्या होगा, प्रोपेन, ठीक है? आया समझ में, हाँ, क्लियर, हाँ? तो हो गया ये वन टू डायब्रोमो टू मिथाइल प्रोपेन, क्लियर, समझ में आया नोमेनक्लेचर, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो हम लोग अब जो है पॉलीहेलो डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, मतलब क्या हुआ, दो से ज़्यादा रहेगा हेलोजन ग्रुप, उसको हम लोग पॉलीहेलो डेरिवेटिव बोलेंगे। उसका कैसे हम लोग नाम लिखते हैं वो देखेंगे, ठीक है? जैसे कि हो गया CHCl3, इसका कॉमन नेम क्या है, क्लोरोफॉर्म, है ना, बेहोश करते हैं ना ऑपरेशन के समय, हाँ, मेढक को चिर चिर के, पहले आदमी को बेहोश इस कर, समझ गया ना, ऑपरेशन, ये हो गया कॉमन नेम। अब इसका जो है, अब तीन है ना, तीनों क्लोरीन इसी कार्बन से है, तो एक कार्बन क्या हो गया, मीथेन, एक कार्बन क्या होता है, मीथेन, और ये तीन क्लोरीन है, तो आईयूपीएसी नेम में क्या करते हैं, क्लोरो लिखते हैं, तो तीन तीन क्लोरीन है तो लिखेंगे ट्राई क्लोरो,
क्या लिखेंगे, ट्राई क्लोरोमीथेन। ये हो गया हमारा IUPAC में, बाद में हाइड्रोकार्बन का नाम ट्राई क्लोरोमीथेन। ठीक है, ये क्या हो गया, ट्राई क्लोरोमीथेन। उसी तरह से हम लोग लिखेंगे CHBr3, इसका नाम है ब्रोमोफॉर। ये कॉमन नेम है। ये हो गया हमारा ट्राई ब्रोमो मीथेन। ठीक है, उसके बाद आएगा CHI3, इसको बोलते हैं आइडोफॉर। और इसका IUPAC नेम हो जाएगा ट्राई आइडो मीथेन। ठीक है, ट्राई आइडो मीथेन है ना, तीन है आयोडीन तो ट्राई हो गया, और एक ही कार्बन है इसलिए मीथेन हो गया। दो कार्बन रहेगा तो इथेन लिखेंगे, थ्री कार्बन रहेगा तो प्रोपेन लिखेंगे। क्लियर। CCl4 और पहला लिए और सबसे लास्ट CCl4, अब इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं है ना, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कॉमन नेम क्या है इसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, इसी तरह से हो जाएगा कार्बन टेट्राब्रोमाइड, कार्बन टेट्राआयोडाइड। ये कॉमन नेम हो गया। IUPAC नेम इसका क्या होगा, चारों तो इसी से, तो हो जाएगा टेट्राक्लोरो। IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका, टेट्रा क्लोरो मीथेन, क्योंकि एक ही कार्बन है टेट्रा क्लोरो मीथेन। ठीक है, आया समझ में, क्लियर। तो इसी तरह से बढ़ते जाएगा, उसके हिसाब से नाम लिखेंगे, और जैसे जैसे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन बढ़ेगा हम लोग IUPAC नेम को ही प्रीफर करेंगे, क्योंकि कॉमन नेम को याद रखना बड़ा डिफिकल्ट जॉब है, कितना याद रखेगा। तो IUPAC का कुछ रूल्स रेगुलेशन है जो बता चुके हैं तुमको 11 में ही, तो उस रूल को फॉलो करते हुए हम आराम से नाम लिख लेंगे। ठीक है, आया समझ में।